नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं आपके साथ नंदिता। कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट करवाने के लिए योजना बना रही है, जिसके चलते उदयपुर में कांग्रेस जिला देहात और शहर की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में जिले के पदाधिकारियों के साथ मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए दम झोंकने के लिए कहा, लेकिन सरकार में किस पार्टी को लाना है ये तो जनता के हाथों में है और अभी तक की स्थिति में जनता किस पार्टी को अधिक समर्थन कर रही है ये जानने के लिए हमारी ENN भारत की टीम ने राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान हमने प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव में 10 से 12 लोगों से बात करके ये जानकारी प्राप्त की। बता दें कि अब तक हम लगभग 185 विधानसभाओं का वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सर्वेक्षण में जाकर अपनी विधानसभा या जिस भी विधानसभा की जानकारी आपको चाहिए उसका नाम डाल करके आप उसका पूरा वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको सांगोद विधानसभा क्षेत्र के गांवों का चुनावी समीकरण बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि पूरे सांगोद विधानसभा क्षेत्र में अभी की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी को कितना जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस को 43.9% और बीजेपी को 48.15% जनता का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत यहां पर कांग्रेस से वर्तमान विधायक भरत सिंह कुंदनपुर पीछे चल रहे हैं, हालांकि ज़्यादा पीछे नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान हमने शहरी क्षेत्रों में पोलिंग सेंटर्स को और ग्रामीण क्षेत्र में गाँवों को आधार बनाया है। अब आप गाँव के अनुसार स्थिति देखिए। सांगोद विधानसभा में A+ ग्रेड वाले यानी सेफ जोन में बीजेपी के 2 गाँव हैं, कांग्रेस के 0 गाँव हैं, अदर्स के 3 गाँव हैं। ए ग्रेड यानी विनिंग पोजीशन में बीजेपी के 45 गांव हैं, कांग्रेस के 27 गांव हैं, अदर्स के 6 गांव हैं। बी ग्रेड यानी फाइटिंग में बीजेपी के 103 गांव हैं, कांग्रेस के भी 103 गांव हैं, अदर्स के 0 गांव हैं। सी ग्रेड यानी लूजिंग में बीजेपी के 27 गांव हैं, कांग्रेस के 45 गांव हैं, अदर्स के 7 गांव हैं। डी ग्रेड यानी डेंजर जोन में बीजेपी के 9 गांव हैं, कांग्रेस के 11 गांव हैं, अदर्स के 170 गांव हैं। अब मैं आपको वो नाम बता रही हूँ जो इस बार सांगोद विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी से हीरालाल नागर, कांग्रेस से भरत सिंह कुंदनपुर और जय सिंह मीणा का नाम सामने आ रहा है। हम मई में फिर से राजस्थान का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसके सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सवाल, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? दूसरा सवाल, आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? तीसरा सवाल, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? चौथा सवाल, अगर आपके पसंदीदा उम्मीदवार की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कम हो या ना के बराबर हो तो क्या उस स्थिति में भी आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? पांचवा सवाल, अगर विधायक उम्मीदवार आपकी पसंद का ना हो तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? इन सवालों के जवाब की रिपोर्ट हम आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829203321 पर इन सारे सवालों का जवाब लिख करके हमें फटाफट भेजें। आप इन सवालों के जवाब के साथ अपने गांव या विधानसभा क्षेत्र की कोई भी जानकारी हो जो कि आमजन की समस्या हो उसके बारे में लिख करके हमें भेज सकते हैं। आप उसका वीडियो बना कर भी हमें भेज सकते हैं। आपकी दी हुई जानकारी को हम अपने अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। इसी के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि विधानसभा चुनाव 2023 की हर खबर और अपडेट आप देखें सबसे पहले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मैं जल्द लेकर आऊँगी आपके समक्ष अगली विधानसभा और उसके गाँव की पूरी जानकारी। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ENN भारत। नमस्कार।